नगरसेवक तौफिक हत्तुरे यांच्या शुभहस्ते ड्रेनेज लाईन कामाचे शुभारंभ। प्रभाग क्रमांक 14 येथील बेगमपेट नॅशनल बेकरीच्या बोळामध्ये सध्याला ड्रेनेजची समस्या असल्याकारणाने नागरिकांनी या समस्येबाबत नगरसेवक तौफिक हत्तुरे यांना वारंवार याची तक्रार केली होती। त्याच अनुषंगाने नगरसेवक तौफिक हत्तुरे यांनी या कामाची दखल घेत आज 7,50,000 रुपये निधी मंजूर करून बेगमपेट नॅशनल बेकरीच्या बोळामध्ये 9 इंच ड्रेनेज लाईन व रस्त्याचे काँक्रीटीकरण असे एकूण 7,50,000 रुपयांची निधी मंजूर करून हे काम हाती घेण्यात आलेले आहे। या कामाचे उद्घाटन नगरसेवक तौफिक हत्तुरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले। या प्रसंगी उपस्थित नगरसेवक तौफिक हत्तुरे, हाजी सत्तारभाई दर्जी, हाजी रहमान तुळजापुरे, मोहम्मद साब कुरेशी, मुजाहिद कुरेशी, सादिक कुरेशी, सुन्ना कुरेशी, जैद सातखेड, समीरभाई ताजमत, मैनुद्दीन हत्तुरे, ताजुद्दीन हत्तुरे, आशफाक बेलिफ, इलियास चौधरी, मिनाज बागवान, फारूक शेख, अल्ताफ शेख, सोहेल शेख, मोहसिन बागवान आदी प्रभाग क्रमांक 14 मधील नागरिकांची प्रमुख उपस्थिती होती। बहुत दिन से प्रॉब्लम चले आता है ड्रेनेज का। नाम बोलो। चार मेंबर आई हैं। नाम बोलो। ये अपने मेंबर साहब हाजी तौफिक भाई हत्तुरे हैं। इनके तरफ से काम का जो पूरा ये हुआ और इसके बाद जो कंक्रीट होने वाला है और आगे के जो मेंबर साहब बताएंगे सब। आज यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 14 की जानिब से बेगमपेट नेशनल बेकरी के बोर्ड में 7,50,000 रुपए के काम की मंजूरी हो गई, जिसमें जो है 9 इंच की ड्रेनेज लाइन डालना है, पाइप लाइन डालना है पूरा और पूरे चेंबर नए बनाना है और पूरा यहाँ से लेकर बाहर रोड तक जो है कॉन्क्रीट का काम करना है और इसका उद्घाटन होने जा रहा है इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है मक्तीदार साहब, इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है काम चालू होगा तो पूरा काम हो जाएगा। तो जो भी ड्रेनेज लाइन के और कुछ घरों में घान पानी आ रहा है यहाँ, इंशाल्लाह वो बंद हो जाएगा और इसके बाद जो है अगली बोर्ड का भी काम जो है हमारे जो है यहाँ के जी को ला के बता के वो भी इंशाल्लाह वो भी 2-5 लाख वो भी लगेंगे तो भांडवल निधि से हमारे देकर हम काम करके लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है आज उद्घाटन में जो है हमारे हाजी सत्तार भाई दर्जी साहब और हमारे वहाब भाई और हमारे मैनुद्दीन हत्तुरे और हमारे पूरे कुरेशी भाई थे। सुन्ना कुरेशी, ये हमारा समीर ताजमत, मिनाज बागवान, अफजल कामले, जिशान सैयद, बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ। मैं इस काम की शुरुआत के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बस यहाँ के लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा काम करके इनसे लेंगे और जैसा ड्रेनेज का काम चालू जो होता है और अपना अपन अपने हिसाब से जो है ड्रेनेज लाइन को जोड़ का काम आप चालू करो और हमारे मक्तेदार है पूरा उन्होंने अपने हिसाब से काम करेंगे, अपना काम अपन करेंगे, उनका काम उन्हों करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द यहाँ के काम का जो मामला है ये ड्रेनेज लाइन का अच्छा सुधर जाएगा। चलो सलाम हमें जो हाजी तौफिक भाई हत्तुरे की कोशिशों की वजह से आज यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम का शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए इसके बाद रोड का कॉन्क्रीट भी होगा। बहुत से लोगों को यहाँ तकलीफ थे, अल्लाह की मदद से तकलीफ दूर हो जाएगी और मैं हमारे कॉन्ट्रेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि काम को जल्दी जल्दी शुरू करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे। बहुत अच्छा काम होने जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों से ये मसला था, आज ये हमारे हाजी तौफिक भाई हत्तुरे इनकी कोशिशों की वजह से मसला हल हो गया और आज उन्होंने एक वादा भी किया है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग चा वापर करूया, यंदाचा उन्हाळा सुसह्य करूया। पावसाच्या पाण्यापासून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धतीने जवळपास 50,000 लिटर पाण्याची आपण बचत करू शकतो। 5 लोकांच्या कुटुंबाला दरवर्षी 5,000 ते 10,000 लिटर पाण्याची गरज असते। छतावर कनेक्शन देऊन पाईप मध्ये थोडेसे बदल करून आपण या पद्धतीचा वापर करू शकतो। चला तर मग आपल्या या वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल ते पाहूयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून। तेव्हा आजच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प समजावून घेऊया आणि पावसाच्या पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळूया। जाणून घेऊयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कसं करावं। आपल्या घराच्या छतावर पावसाचं पाणी एकत्रित करण्याची सुविधा करा। छतावरून स्टोरेज टँक कडे येणारे सर्व पाईप जोडा। एकत्रित केलेले पाणी स्टोरेज टँक ला जोडा। या पाईप मध्ये फिल्टर जोडणे आवश्यक आहे। परकोलेशन टाकीत आउटलेट उपलब्ध करून द्या।
ओव्हरफ्लो झालेल्या पॉइंट करता परकोलेशन पीट उपलब्ध करा, जेणेकरून भूजल भरण्यास मदत होईल।